वन प्राणी एवं वन सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें लोगों को वन प्राणी वन की सुरक्षा एवं अवैध कटाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह के चलते रेंजर कॉलेज बालाघाट में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेंजर कॉलेज बालाघाट में वन प्राणी वन सुरक्षा कार्यक्रम का आज समापन किया गया, जिसमें कॉलेज एवं स्कूल के छात्र छात्राओं को चित्रकला रंगोली निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। एक तरफ जहां वन प्राणी एवं वन सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बालाघाट के बड़ा जागपुर में बीजा एवं इमारती प्रजाति की लकड़ी की अवैध कटाई का मामला सामने आया है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर SDO बालाघाट एवं मुख्य वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में बालाघाट उड़न दस्ता दल ने बड़ा जागपुर जाकर लकड़ियां जब्त कर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेली के गए हैं। क्या कुछ देखिए, हमारे प्रदेश में प्रत्येक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हम लोग वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से जन चेतना जागृत हो सके, लोगों को वन्य प्राणी संरक्षण संवर्धन के विषय में हम लोग जागरूक कर सकें, और इसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रदर्शन, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं, और उसके जो विजेता रहते हैं उन लोगों को हम लोग सम्मान देते हैं, इनाम उनको दिया जाता है, ताकि वो लोग प्रोत्साहित होकर इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले सकें, और आने वाले वर्षों में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का हम लोग आयोजित करते रहेंगे, ताकि वन्य प्राणी संरक्षण संवर्धन में की दिशा में हम लोग आम जन को जागरूक कर सकें। ये वन्य प्राणी और वन सुरक्षा सप्ताह 1 अक्टूबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक इस वर्ष का मनाया जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि वनों की सुरक्षा, वन्य प्राणी सुरक्षा का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए। वर्तमान समय में देखा जा रहा है निर्वनीकरण, वनों की कटाई, ओजोन परत का कम होना, ऐसे भिन्न मुद्दे हैं जो पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, और भारत देश ऐसा है जहां पर बायोडाइवर्सिटी की अधिकता है, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, और इसी को यथावत बनाए रखने के लिए, सतत पोषणीय विकास के की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है। फिर भी देखने में आता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, वनों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसी घटना हमारे सामने आ जाई है। बालाघाट जिले के बड़े जागपुर घाट के अंतर्गत, बड़ा जागपुर गांव के अंतर्गत कुछ लोग अपने घरों पर चिरांग कर रहे थे और अवैध लकड़ियां उनके घर पर पाई गई। मुखबिर से हमें सूचना मिली और जो सोर्स था वो SDO बालाघाट द्वारा दिया गया था, तो मुख्य वन संरक्षक महोदय के एवं वन मंडलाधिकारी बालाघाट और उप वन मंडलाधिकारी बालाघाट के निर्देशन में हमने ये कार्रवाई की। कौन कौन सी प्रजाति की है? इसमें बीजा प्रजाति है, उसमें और भी अन्य इमारती प्रजाति की लकड़ियां यहाँ पे हैं। उड़नदस्ता दल भी जो है वो साथ में था, वन प्रत्युत बालाघाट का, और बालाघाट रेंज का अधिकारी के स्टाफ को लेते हुए ये कार्रवाई की गई, जिसमें इमारती लकड़ियों की जब्ती की गई है, कार्रवाई की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आगे की कार्यवाही जो है वो। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।